गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेटा, कल हमने लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बेटा रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर जो व्हीकल्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि टू व्हीलर। आज हम थ्री व्हीलर्स और जो फोर व्हीलर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो रेलवे ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थ्री व्हीलर कौन से व्हीकल्स होते हैं बेटा? व्हीकल विथ थ्री व्हील्स, वो व्हीकल्स जिनके अंदर तीन व्हील होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? थ्री व्हीलर्स के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा, जो साइकिल रिक्शा होती है, ऑटो रिक्शा होती है, टेम्पो होता है, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा? थ्री व्हीलर के एग्जाम्पल्स हैं। फिर बात आती है बेटा फोर व्हीलर्स की, जैसे कि फोर व्हीलर्स नाम से पता चल रहा है, वो व्हीकल्स विद फोर व्हील्स, वो व्हीकल्स जिनके चार व्हील होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फोर व्हीलर्स बोलते हैं। ये क्या होते बेटा? हैवी लोड व्हीकल्स भी नहीं बोलते, जैसे कार है, वैन है, जीप है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? फोर व्हीलर के एग्जाम्पल्स हैं। व्हीकल्स दैट हैव मोर देन फोर व्हील्स एंड कैरी हैवी लोड्स, वो व्हीकल्स जिसके बेटा चार व्हील होते हैं और जो भारी सामान को कैरी कर सकते हैं वो किसके अंदर आते हैं? हैवी लोड व्हीकल के अंदर आते हैं, जैसे बस, कार, ट्रक, लोहरी, ये सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा? हैवी लोड व्हीकल के एग्जाम्पल है। फिर आते हैं बेटा रेलवे ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट रन ऑन ट्रैक रेल्स आर नोन एज रेलवे ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट, वो सारे ट्रांसपोर्ट्स बेटा जो किस पे रन करते हैं? ट्रैक के ऊपर या फिर रेल के ऊपर ट्रैवल करते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं? रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं, जैसे पैसेंजर ट्रेन है, गुड ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन्स है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? रेल ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है। ट्रेन कैरी पैसेंजर्स एंड गुड, ट्रेन के अंदर क्या क्या जाते हैं बेटा? पैसेंजर्स जाते हैं। कुछ ऐसी भी ट्रेन्स होती है जो जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? सिर्फ सामान कैरी करने के लिए करते हैं। मेट्रो ट्रेन्स आर फास्टर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट इन सम ऑफ द बिग सिटीज़, और जो मेट्रोज होती है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मानी जाती है लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर, क्योंकि जो इसकी स्पीड होती है बेटा वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसका बेसिकली ये हमें कहाँ मिलती है? जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनके अंदर आपको ये देखने को मिलती है। ओके, तो ये आपका बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर था। कल हम वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।